हेलो स्टूडेंट्स, वी वर स्टडिंग आर लेसन नंबर 13, दैट इज़ अ शेल्टर सो हाई, जिसमें हम गौरव जानी उसके जो मोटरसाइकिल है दैट इज़ लोनर, उसके बारे में पढ़ रहे थे, जो ट्रैवलिंग कर रहे हैं हिली एरियाज की। ठीक है, तो हमने लास्ट में जो चैप्टर है वो यहाँ तक रिपीट कर लिया था, एट होम विद ताशी, के ताशी के घर में टू फ्लोर्स थे, ग्राउंड फ्लोर में एनिमल्स थे और सेकेंड फ्लोर में जो है वो खुद रहते थे। जब भी ठंड होती थी तो वो फिर से जो है वो ग्राउंड फ्लोर में आ जाते थे। तो जैसे क्वेश्चन पूछा है कि ड्यूरिंग विंटर्स ताशी एंड हिज फैमिली लिव ऑन द ग्राउंड फ्लोर, व्हाई वुड दे बी डूइंग सो, के विंटर्स में ताशी और उसकी जो फैमिली है वो ग्राउंड फ्लोर में रहते हैं, तो वो ऐसा क्यों करते हैं? टू गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम अ कोल्ड, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो जो उनका ग्राउंड फ्लोर है उसमें कोई विंडो नहीं है, तब वो शिफ्ट होके जो है वो ग्राउंड फ्लोर में आ जाते हैं। वट इज़ द रूफ ऑफ योर हाउस लाइक, वट ऑल इज़ द रूफ यूज फॉर, आपके जो घर की छत है वो कैसी है? फ्लैट है, किसके लिए यूज़ किया जाता है? धूप में बैठने के लिए। सेकेंड थिंग, जो भी हमारे स्पाइसेस हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनको, चिलीज वगैरह हैं, उनको ड्राई करने के लिए जो है हम उसको छत पे रख देते हैं। आगे है, पीपल लिविंग ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, उन लोगों की बात हो रही है जो हाइट पे रहते हैं, विच लिव्स ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। नाउ वॉज द टाइम टू क्लाइंब हायर, कि अब कौन सा टाइम आ गया था और चढ़ाई पे जाने का। लोनर हैड अ टफ टाइम zigzagging along narrow rocky mountains roads, zigzag means जेड की शेप में जो है वो क्या है उनके roads हैं, के जो loner है उसके लिए बहुत tough time था, क्योंकि उसको एक zigzag path से जो बहुत ज़्यादा तंग था, rocky means जो चट्टान था, जो मतलब वहाँ पे बहुत सारे पत्थर थे, mountains पहाड़ थे और road थे। At many places there were no roads at all, कि कुछ जगह वहाँ पे ऐसे भी आ रही थी कि वहाँ पे कोई रोड ही नहीं था, और वहाँ पे जो रोड्स थे वो कैसे थे? Zigzag narrow rocky mountains, ठीक है। I was moving towards the rocky plains of Changthang, Changthang जो है वो जगह है जहाँ पे, ऐसी जगह है ये जहाँ पे बहुत कम लोग जो हैं वो रहते हैं। तो लिखा है कि मैं अब कहाँ मूव कर रहा हूँ, टुवर्ड्स द रॉकी प्लेन्स ऑफ चांगथांग, चांगथांग एरिया के चट्टानी इलाकों में। दिस प्लेस इज एट हाइट ऑफ ऑलमोस्ट 5000 meters, कि ये जो जगह है ये कितनी हाइट पे है? अराउंड 5000 meters। इट इज़ सो हाई दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ब्रीद नॉर्मली, कि यहाँ पे ये इतनी ज़्यादा हाइट पे है कि वहाँ सांस लेने में भी कठिनाई होती है। हमने पहले भी पढ़ा था कि जितनी हाइट पे हम ऊपर जाते जाते हैं वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल जो है वो उतना ही कम रह जाता है, तो उसको सांस लेने में भी वहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी। आई हैड अ हेडेक एंड फेल्ट वीक, कि मेरे सर में दर्द लग गई थी और मैं बहुत कमज़ोर महसूस कर रहा था। देन आई स्लोली गॉट यूज टू ब्रीदिंग इन सच एयर, लेकिन फिर मैं धीरे धीरे जैसे वो चलता रहा तो उसको मतलब गॉट यूज्ड, मतलब उसको आदत पड़ गई फिर ऐसी ही एयर में ब्रीद करने की। फॉर मैनी डेज वी केप्ट वंडरिंग इन दिस एरिया विद नॉट अ सिंगल ह्यूमन बींग इन अ साइट, कि बहुत दिनों तक हम ऐसे ही घूमते रहे उस एरिया में, वहाँ पे कोई भी इंसान जो है वो हमें नहीं दिख रहा था। नो पेट्रोल पम्प्स, नो मकैनिक्स, ना तो वहाँ पे कोई पेट्रोल पम्प था ना कोई मकैनिक था। ओनली क्लियर ब्लू स्काई एंड मैनी ब्यूटिफुल लेक्स अराउंड, सिर्फ वहाँ पे साफ आसमान था और बहुत ही सुंदर झीलें थी। मैनी डेज एंड नाइट्स पास्ट, इस तरह बहुत से दिन रात बीत गए। लोनर एंड आई केप्ट मूविंग अहेड, मैं और लोनर जो है वो आगे बढ़ते गए। सडनली वन मॉर्निंग आई सा बिफोर मी फ्लैट ग्रासी लैंड, कि अचानक से मैंने देखा क्या, बिफोर मी फ्लैट ग्रासी लैंड, एक घास का मैदान मैंने देखा। मैनी शीप्स एंड गोट्स वर ग्रेजिंग देयर, बहुत सी शीप्स और गोट्स जो थी वो वहाँ पे ग्रेज करना था, चरना, कि वहाँ पे जो है वो घास खा रही थी। फॉर इन द डिस्टेंस आई सॉ सम टेंट्स, कि थोड़ी सी दूरी पे मैंने क्या देखा, टेंट्स देखे। आई वंडर्ड हु लिव देयर एंड वट दे वर डूइंग इन दिस फार आउट प्लेस, कि मुझे हैरानी हुई कि यहाँ पे कौन रहता होगा और इतनी दूर जो है वो क्या कर रहे हैं। आगे क्वेश्चन आंसर है, एट वट हाइट इज द प्लेस वेयर यू लिव, जहाँ पे हम रहते हैं उसकी क्या हाइट है सी लेवल से। वाई डिड गौरव जानी से दिस प्लेस इज सो हाई दैट इट इज डिफिकल्ट टू ब्रीद नॉर्मली, के
गौरव जानी ने ऐसा क्यों कहा कि ये जगह जो है वो बहुत ऊंची है और मुझे यहाँ पे सांस लेने में कठिनाई हो रही है, क्योंकि जितनी जितनी हाइट पे हम चढ़ते जाते हैं वहां पे ऑक्सीजन लेवल जो है वो फॉल डाउन होता रहता है। हैव यू एवर बीन टू अ हिली प्लेस वेयर, क्या आप कभी हिली प्लेस में गए हो, कहाँ गए हो, तो ये आप कहीं भी लिख सकते हो। एट वट हाइट वॉज इट, डिड यू हैव एनी डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, कितनी हाइट पे वो था और आपको कोई ब्रीदिंग प्रॉब्लम हुई वहां पे। विच इज द हाइएस्ट प्लेस यू हैव बीन टू, कौन सी ऐसी हाइएस्ट प्लेस है जहां पे आप गए हो। आगे है द चांगपा, अब चांगथांग में जो लोग रहते हैं उनको बोलते हैं चांगपा। देयर आई मेट नमग्याल एंड केम टू नो अबाउट द चांगपा, अ ट्राइब विच इज लिविंग ऑन द माउंटेन, कि वहां वो किससे मिला, नमग्याल से, और उसने उन्हें बताया कि जो चांगपाज हैं वो उन मतलब चांगपा के बारे में बताया। चांगपा जो है वो ऐसी ट्राइब है, ऐसे लोग हैं जो माउंटेन्स पे रहते हैं। द चांगपा ट्राइब हैज ओनली अबाउट 5,000 पीपल, और इनके जो ट्राइब जो जाती है उसमें कितने लोग रहते हैं, 5,000। द चांगपाज आर ऑलवेज ऑन द मूव विद देयर गॉड्स एंड शीप, के वो हमेशा जो चांगपा लोग है ना वो हमेशा अपने गॉड्स और शीप को लेके ही मूव करते रहते हैं, जाते रहते हैं, वो एक जगह भी नहीं रहते, वो मूव ही करते रहते हैं। इट इज फ्रॉम दीज दैट दे गेट ऑल द नीड, क्योंकि भेड़ और बकरियों से ही उन्हें सब कुछ मिलता है जो उन्हें चाहिए, जैसे मिल्क है, मीट है, स्किन है टेंट के लिए, या फिर वूल है कोट्स और स्वेटर्स के लिए। देयर गॉड्स आर देयर ट्रेजर, कि ये जो बकरियां हैं, ये जो भेड़े हैं वो इनकी क्या है, धरोहर है, खजाना है। क्यों? क्योंकि जो भी उन्हें चीजें मिल रही हैं वो शीप ही दे रही हैं, तो उनको वो अपने लिए एक ट्रेजर, एक खजाना मानते हैं। इफ अ फैमिली हैज मोर एनिमल्स इट इज कंसीडर्ड मोर रिच एंड इम्पॉर्टेंट, कि अगर किसी फैमिली के साथ बहुत सारे एनिमल्स हैं तो उनको क्या माना जाता है कि वो बहुत ज्यादा रिच है, बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। From the special god they make wool for making the world famous Pashmina shawl, और इन्हीं special god से वो एक wool मिलती है जो world famous, जो Pashmina shawls है, world famous shawl कौन सी है, Pashmina shawl, उसको बनाने के लिए जो gods हैं वो इन्हीं के पास होती हैं। The Changpas graze their gods at higher and colder place so that the god have more and softer fur. चांगपाज है वो चराने के लिए अपनी बकरियों को जो वो कहाँ लेके जाते हैं, ठंडी से ठंडी जगह पे, ताकि उनके ऊपर जो है वो ज्यादा से ज्यादा फर आए, ज्यादा से ज्यादा बाल आए, तो उससे उनको उतनी ही ज्यादा ऊन मिलेगी और उतना ही पैसा फिर वो कमाएंगे। दे स्टे हाई अप ऑन द माउंटेन इन वेरी डिफिकल्ट कंडीशन, के वो पहाड़ों में हाइट पे जो है बहुत सी डिफिकल्ट कंडीशंस में रहते हैं। बिकॉज That is where these gods can live, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ पे भेड़ें रह सकती हैं, जो वो उन्हें तो ऑटोमेटिकली अपनी भेड़ों के साथ ही रहना पड़ेगा। This is their life and their livelihood, तो ये उनकी लाइफ है और उनकी लाइवलीहुड है। I was carrying very little of my belongings on the motorcycle, के मैं अपनी मोटरसाइकिल पे बहुत सा कम सामान लेके गया था। But the Changpas carry everything that they ओन ऑन देयर हॉर्सेज एंड याक्स, लेकिन जो चांगपाज हैं अपने हॉर्सेज और याक्स पे जो है वो बहुत सारा सामान लेके जाते हैं। इट टेक्स देम ओनली 2.5 hours टू पैक एवरीथिंग एंड मूव अहेड, क्योंकि वो मूव ही करते रहते हैं तो वो बहुत सारा सामान अपने साथ लेके चलते हैं और उन्हें अपना सामान पैक करने के लिए 2.5 hours लगते हैं। विद इन नो टाइम दे पुट अप देयर टेंट एट द चूजन प्लेस, और थोड़े ही टाइम में वो जो अपने टेंट्स लगा लेते हैं जहां भी उनको मन करता है। द लगेज इज अनपैक्ड एंड देयर होम्स आर रेडी, टेंट लगाएंगे, अपने लगेज जो भी उनका सामान होगा उनको खोलेंगे और उनका जो घर है वो रेडी है, मतलब जो चांगपास लोग रहते हैं वो रहते हैं टेंट्स में। ठीक है, तो यहाँ तक आपने अपना चैप्टर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो अंडरलाइन कर लेने हैं, बाकी हम आगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में प्रोसीड करेंगे। थैंक यू।